हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को ले चलूंगा एक वर्ल्ड टूर पे, तो चलिए चलते हैं क्रूज पे, जिसमें हम ट्रैवल करेंगे अराउंड एशिया और जानेंगे कितनी वाटर बॉडीज हैं एशिया के चारों ओर और उनके बारे में डिटेल्स। इस क्रूज की स्टार्टिंग होगी ब्लैक सी से। क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों इस क्रूज की स्टार्टिंग मैं कैस्पियन सी से नहीं कर रहा हूं। तो आप कैस्पियन सी को देखें तो ये एक लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी है। दिस इज द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी, और इसीलिए जब ये लैंडलॉक्ड है चारों ओर से तो मैं कोई भी क्रूज यहां से शुरू नहीं कर सकता हूं। बट ब्लैक सी पूरी तरीके से मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हुआ है और आगे कई जगह एरियाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरा क्रूज ब्लैक सी से शुरू होगा। पर हम पहले जान लेते हैं कैस्पियन सी के बारे में। तो कैस्पियन सी चारों ओर से लैंड से घिरा हुआ है, तो क्या इसको लेक कहां कहलाना चाहिए या सी कहलाना चाहिए? इसके लिए एक कन्वेंशन किया गया, एक मीटिंग की गई, अग्रीमेंट किया गया, कन्वेंशन ऑन लीगल स्टेटस ऑफ कैस्पियन सी। ये किया गया अगस्त 2018 में। कजाकिस्तान की पोर्ट सिटी है अक्ताऊ, वहां ये मीटिंग की गई और उसमें ये पांच देश जो भी इसके चारों ओर हैं उनने डिसाइड किया कि इसका क्या किया जाना चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं कौन से पांच देश हैं। तो नॉर्थ में देखें तो कजाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में देखें तो रशिया, वेस्ट में देखें तो अजरबैजान, साउथ में देखें तो ईरान और ईस्ट में देखें तो तुर्कमेनिस्तान। देखने वाली बात यह है कि उज्बेकिस्तान कैस्पियन सी से नहीं जुड़ता, इसकी बाउंड्री नहीं जुड़ती। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका क्या लीगल स्टेटस है, क्या ये लेक है या सी है? तो पहले ये जानना जरूरी है कि लेक या सी कहलाने से क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर ये सी कहलाएगा तो सी आता है अनक्लॉज के अंदर, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, और उसके हिसाब से जो भी एरिया इस सी का होगा वो डिवाइड होगा शोर लाइन के हिसाब से। जिस कंट्री की जितनी बड़ी शोर लाइन होगी उस शोर लाइन के हिसाब से उससे आगे का एरिया उसको मिलेगा। बट अगर इसको लेक डिफाइन कर दिया जाता है तो लेक डिफाइन करने की वजह से इसको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा पांच भागों में, और वो पांच कंट्रीज को दे दिया जाएगा। तो जब ये मीटिंग हुई तो डिसाइड ये किया गया कि इसके सरफेस को माना जाएगा सी, और सी मानने की वजह से हर कंट्री को उसके 15 नॉटिकल माइल से तक, उसकी शोर लाइन से 15 नॉटिकल माइल्स तक मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए अलाउ किया जाएगा और 25 नॉटिकल माइल्स तक अलाउ किया जाएगा फिशिंग के लिए, और बीच का जो भी एरिया बच जाएगा उसको न्यूट्रल वाटर घोषित कर दिया जाएगा कॉमन यूज के लिए। बट ये अश्योर किया जाएगा कि बाहर की कोई भी कंट्री यहां पे नहीं आ सकती, क्योंकि यहां डर ये था कंट्रीज को कि नाटो यहां पे ना आ जाए, इसलिए इसमें अलाउ नहीं किया गया है। इस अग्रीमेंट से ये सुनिश्चित किया गया है कि अब यहां पाइपलाइंस ट्रैवल कर पाएंगी इसके नीचे से, ऑयल एक्सप्लोरेशन इजीली हो पाएगा। बट अगर हम देखें सबसे बड़ा नुकसान इस ट्रीटी का हुआ है ईरान को, क्योंकि ईरान को इससे पहले, इस अग्रीमेंट से पहले ऑलमोस्ट आधे भाग पर उसका कब्जा था, बट अब इस ट्रीटी के बाद हर कंट्री का कब्जा इक्वल डिवाइड कर दिया गया है। जो सबसे बड़ी नदी इस सी में आके गिरती है वो है वोल्गा। वोल्गा वेरी इंपॉर्टेंट रिवर है रशिया की। तो चलिए अब मूव करते हैं ब्लैक सी की ओर और अपने क्रूज को शुरू करते हैं। तो ब्लैक सी के बारे में अगर हम देखें तो ब्लैक सी के भी चारों ओर छह कंट्रीज हैं, जिसमें नॉर्थ में है यूक्रेन, वेस्ट में है रोमानिया, ये वेस्ट में बुल्गारिया, साउथ में टर्की, ये दोनों साइड टर्की है, और इसके ईस्ट में है जॉर्जिया, और इसके नॉर्थ के वेस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में है रशिया। अगर हम ब्लैक सी को थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करें तो हमें इसके नॉर्थ में सी ऑफ अजोव देखने को मिलता है, और सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ कर्च। क्वेश्चन ये उठता है कि स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट होती है एक नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ती है, ठीक है। और ये स्ट्रेट्स हम कई सारे स्ट्रेट्स देखेंगे अभी जैसे जैसे हम आगे आगे ट्रैवल करेंगे। तो यहां पे है स्ट्रेट ऑफ कर्च, बट इसके बगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यह है क्रीमिया। ये कुछ साल पहले न्यूज में थी जब रशिया ने इस पे कंट्रोल कर लिया था। क्वेश्चन ये था कि रशिया ने इस पे कंट्रोल क्यों किया? तो यहां पे एक पोर्ट सिटी है सेवास्टोपोल। सेवास्टोपोल में रशिया की ब्लैक सी फ्लीट रहती है, और रशिया को कंट्रोल चाहिए एक्चुअली एक ऑल वेदर पोर्ट पे, क्योंकि रशिया का अगर हम नॉर्दर्न पार्ट देखें, रशिया का नॉर्दर्न पार्ट
सारा का सारा आर्कटिक सर्कल से ऊपर पड़ता है, तो कोई भी पोर्ट ऑल वेदर पोर्ट नहीं है रशिया के पास, इसलिए उसको ऑल वेदर पोर्ट चाहिए था और उसने कंट्रोल किया सेवास्टोपोल पे। ब्लैक सी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ब्लैक सी एक पॉजिटिव वाटर बैलेंस वाली बॉडी है। क्यों? क्योंकि यहां कई सारी फ्रेश वाटर रिवर्स आके गिरती हैं, जैसे डेन्यूब, डॉन, डनाइपर, ये यूरोपियन और रशियन रिवर्स हैं, ये सारी की सारी ब्लैक सी में आके गिरती हैं, और उसकी वजह से ब्लैक सी का जो सरफेस लेवल है वो बढ़ जाता है, और सरफेस लेवल ज्यादा होने की वजह से यहां से वाटर ट्रैवल करता है टूवर्ड्स मेडिटेरेनियन सी, और इसलिए पॉजिटिव वाटर बैलेंस हमें इस बॉडी में देखने को मिलता है। अब अगर हम ब्लैक सी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो यहां पे आपको कोई भी वाटर बॉडी नहीं दिखाई दे रही होगी, तो मैं थोड़ा जूम करता हूं यहां पे। जूम करने के बाद आपको पता चलता है यहां पे एक बहुत नैरो वाटर बॉडी है, अगेन नैरो वाटर बॉडी को कहते हैं स्ट्रेट, तो यहां पे है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। इसको मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूं, यहां पे है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है बिकॉज ये बाउंड्री बनाता है, देखिए दिस इज स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, और ये बाउंड्री बनाता है बिटवीन एशिया एंड यूरोप, और ये हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि इस्तांबुल, जिसको पहले हिस्टोरिकली कॉन्स्टांटिनोपल भी कहते थे, इसको माना जाता है सेंटर ऑफ वर्ल्ड, जिसने भी इस पे कंट्रोल कर लिया वो पूरे दुनिया पे कंट्रोल करेगा ऐसा माना जाता था। तो ये इस्तांबुल सिटी से हम स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस से आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंचेंगे सी ऑफ मार्मरा, ये अगला सी है यहां सी ऑफ मार्मरा, और उसके बाद हमें एक और स्ट्रेट देखने को मिलता है, ये स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ दार्दनलीज, और जैसे ही हम इससे पास होते हैं हम पहुंचते हैं एजियन सी पे। ये एजियन सी को अगर आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो एजियन सी के एक साइड है टर्की और दूसरी साइड है ग्रीस, तो इस टर्की के पेनिनसुला को हम कहते हैं एनाटोलिया पेनिनसुला और ग्रीस को ग्रीक पेनिनसुला, तो एजियन सी इज बिटवीन ग्रीक पेनिनसुला एंड एनाटोलियन पेनिनसुला। अब हम अगर एशिया की तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि मेडिटेरेनियन की तरफ मुड़ेंगे तो ये पूरा यूरोप पड़ेगा, और हमने बाउंड्री ऑलरेडी देख ली है एशिया और यूरोप के बीच की, तो अब हम एशिया की तरफ मुड़ जाते हैं। एशिया की तरफ अगर हम मुड़ के जाते हैं तो पहले यहां कोई वाटर बॉडी नहीं हुआ करती थी, बट इस वाटर बॉडी को बनाया गया। अब अगर आप अफ्रीका के नॉर्थ में देखेंगे तो यहां पे हमें एक वाटर बॉडी देखने को मिलती है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी अ चोक पॉइंट, ये बहुत रास्ता कम कर देता है यूरोप से एशियन कंट्रीज की ओर। तो अगर हम स्वेज कैनाल को थोड़ा जूम करके देखने की कोशिश करें तो स्विस कैनाल का नदन मोस्ट पॉइंट है पोर्ट साइड, और इसका सदन मोस्ट पॉइंट जो है वो आता है पोर्ट तौफीक। ये स्विस कैनाल बनाई गई थी 1869 में यूरोपियन कंट्रीज जैसे ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा, और इसको नेशनलाइज कर दिया था इजिप्ट ने 1956 में। दोस्तों याद रखिए ये आर्टिफिशियल सी वाटरवे है, इसीलिए मैं इसको कोई स्ट्रेट नहीं बुला रहा हूं। अगर ये नेचुरल वाटर बॉडी होती तभी उसको स्ट्रेट कहा जाता, बट ये आर्टिफिशियल कनाल बनाई गई है स्विस कैनाल, इसीलिए इसको स्ट्रेट नहीं कहा जा रहा है। ये मेडिटेरेनियन सी को नीचे रेड सी से जोड़ती है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे गल्फ ऑफ स्वेज है और गल्फ ऑफ स्वेज से नीचे रेड सी आ जाता है, पर हम ये मान सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल वाटर बॉडी बाउंड्री बनाती है बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। आज की डेट पे ये कनाल कंट्रोल की जाती है स्वेज कैनाल अथॉरिटी इजिप्ट के द्वारा, और इसका जो पूरा चलाने का तरीका है वो चलता है कन्वेंशन ऑफ कॉन्स्टांटिनोपल के हिसाब से। ये 1880s का एक कन्वेंशन है जिसमें ये डिसाइड किया गया कि वॉर हो या पीस टाइम हो यहां से सारे शिप्स को मूव करने दिया जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, गल्फ ऑफ स्वेज से आगे बढ़ेंगे तो ये अब हमें रेड सी देखने को मिलता है। गल्फ ऑफ स्वेज है, ये आगे रेड सी देखने को मिलता है, बट इस तरफ भी हमें एक बार देख लेना है, ऑल्दो ये हमारे क्रूज का पार्ट नहीं है बट हम इसे स्टडी के लिए देख लेते हैं। यहां पे है गल्फ ऑफ अकबा, और गल्फ ऑफ अकबा में एक बहुत छोटा पोर्ट इसराइल का भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसराइल रेड सी के गल्फ ऑफ अकबा से जुड़ता है और यहां पोर्ट है इलाट पोर्ट, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इसराइल उधर मेडिटेरेनियन सी से भी जुड़ रहा है और इसराइल इधर
आपका रेड सी से भी जुड़ रहा है, थ्रू गल्फ ऑफ अकबा। आगे देखें, रेड सी के बारे में थोड़ा जानते हैं। रेड सी एक हिस्टोरिकल सी है, बिकॉज इसको सी ऑफ एरिथ्रिया में कंसिडर किया जाता है। अभी हम आगे देखेंगे सी ऑफ एरिथ्रिया क्या है, बट इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आप ये भी याद रखें, ज्यूज की जो एक रिलीजियस स्टोरी है मोजेस के बारे में, तो मोजेस ने इजिप्ट से लेके गए थे इसराइल अपने लोगों को, तो वो जो ग्रेट एक्सोडस के नाम से जाना जाता है, उस इवेंट में रेड सी पार किया गया था। अगर हम ज्योग्राफिकली रेड सी को देखने की कोशिश करते हैं, तो ज्योग्राफिकली रेड सी पार्ट है ग्रेट रिफ्ट वैली का, जिस रिफ्ट वैली की कई सारी लेक्स को हम जब अफ्रीका को स्टडी करेंगे तो उस पीरियड में देखेंगे, बट ये रेड सी कंसिडर किया जाता है, रिफ्ट वैली का एक पार्ट कंसिडर किया जाता है। थोड़ा और आगे मूव करते हैं, तो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ने वाली जगह है, इसको हम इस स्ट्रेट को हम कहते हैं बाब अल मानदेब। इस जगह को, ये जो सबसे छोटा एरिया है, स्मॉलेस्ट लैंड बॉडी और थिनेस्ट लैंड थिनेस्ट वाटर बॉडी बिटवीन टू बिग लैंड बॉडीज, इसको कहते हैं हम बाब अल मानदेब, और ये जोड़ता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से। बट यहां देखने वाली बात यह है कि नॉर्थ में कौन सी कंट्री और साउथ में कौन सी कंट्री है, तो नॉर्थ में कंट्री है आपकी येमेन और इसके साउथ में कंट्री है एरिट्रिया एंड जिबोती। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि बाब अल मानदेब इज ज्वाइनिंग विच टू वाटर बॉडीज, तो ये ज्वाइन कर रहा है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से, एंड सेपरेटिंग विच टू लैंड बॉडीज, तो ये सेपरेट कर रहा है यमन को, या इसको हम सऊदी अरेबियन पेनिनसुला या अरेबियन पेनिनसुला भी कह सकते हैं, और इधर एरिट्रिया और जिबोती को, जिसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बाब अल मानदेब कौन सी लैंड बॉडीज को सेपरेट करता है, तो ये अरेबियन पेनिनसुला को हॉर्न ऑफ अफ्रीका से सेपरेट करता है। क्रूज में थोड़ा आगे चलते हैं, तो हम देखेंगे हमारे क्रूज से थोड़ा हटकर ऊपर, अगर हम ईरान के साउथ में देखें, तो ईरान के साउथ में एक ये गल्फ नजर आता है, इस गल्फ को कहते हैं हम पर्शियन गल्फ। ये पर्शियन गल्फ है, और पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से अगेन एक स्ट्रेट डिवाइड करता है, इसको कहते हैं हम स्ट्रेट ऑफ होर्मूज। इस जगह को हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मूज, ये जरूर याद रखिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। जैसे अभी हमने स्वेज कैनाल को चोक पॉइंट देखा, वैसे ही स्ट्रेट ऑफ होर्मूज चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट हमेशा याद रखिए, वो पॉइंट्स हैं जहां पे लैंड, जहां पे वाटर बॉडी बहुत पतली हो जाती है, और उसकी वजह से यहाँ पे जो लैंड की तरफ से कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और मूवमेंट ऑफ शिप्स को रोका जा सकता है। मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी एरिथ्रियन सी की, एक बुक थी पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये रोमन्स ने लिखी थी। इसमें ये एरिथ्रियन सी, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी, इन सारे एरिया को जोड़ के एरिथ्रियन सी बताया गया था। तो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है इस एरिया के बारे में, जहां पे रोमन्स इसको एरिथ्रियन सी कंसिडर करते थे। इस क्रूज में हम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे अभी इंडियन ओशियन में, बिकॉज इंडियन ओशियन को हम बाद के किसी मैप में पढ़ेंगे, बट हम आगे चलते हैं अगले चोक पॉइंट में। अगला चोक पॉइंट हमें देखने को मिलता है साउथ ईस्ट एशिया में, और ये चोक पॉइंट कहलाता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। क्वेश्चन ये उठता है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का कौन सी वाटर बॉडीज को जोड़ता है और किन लैंड बॉडीज को अलग करता है, तो ये जोड़ता है अंडमान सी को जावा सी से, और ये लैंड बॉडीज जो हैं नॉर्थ में है इसके मलेशिया, मलय पेनिनसुला भी कहते हैं, और साउथ में है सुमात्रा, ये सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का। तो अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, तो आंसर विल बी मलेशिया एंड इंडोनेशिया। इससे थोड़ा नॉर्थ की ओर ट्रैवल करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी आपने कई बार न्यूज में पढ़ा होगा इसके बारे में कि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन द लिटोरल कंट्रीज। देखिए कौन सी कंट्रीज यहां पे बॉर्डर बनाती हैं, ये देख लेना बहुत जरूरी है। तो चाइना ऊपर से बॉर्डर बनाती है नॉर्थ से, वियतनाम फ्रॉम वेस्ट, देन सम पार्ट ऑफ मलेशिया इज ऑल्सो देयर, देन ये बोर्नियो आइलैंड्स हैं, बोर्नियो आइलैंड्स का भी इसमें स्टेक है, और ये फिलीपींस है। फिलीपींस और चाइना के बीच में एक केस गया था, और उस केस में फिलीपींस जीता,
बट इस एरिया में चाइना जो ये अपना एरिया कंसिडर करता है उसको कहते हैं 9-डैश लाइन। 9-डैश लाइन तक चाइना अपना एरिया कंसिडर करता है, और पार्सल आइलैंड, स्प्रैटली आइलैंड और स्कारबरो आइलैंड्स वो यहाँ कहीं पे हैं। इन आइलैंड्स के को लेके चाइना और फिलीपींस के बीच लड़ाई काफी टाइम से चल रही है। थोड़ा और नॉर्थ मूव करते हैं तो हमें मिलता है ताइवान आइलैंड। ताइवान और चाइना में क्या डिफरेंस है या क्या रिलेशनशिप है ये जान लेना बहुत जरूरी है। ताइवान का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, जबकि चाइना मेनलैंड का असली नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान में नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है चाइना की, जो कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद भाग के ताइवान आ गई और उसको ताइवान में अपनी गवर्नमेंट बनानी पड़ी। तो ताइवान आज की डेट पे सेपरेटेड है मेनलैंड चाइना से, ताइवान स्ट्रेट से। पर चाइना कभी नहीं चाहता कि पूरी दुनिया ताइवान को एक कंट्री कंसिडर करे। मेनलैंड चाइना हमेशा ताइवान पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इससे और नॉर्थ में चलते हैं तो हमें मिलेगा ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी से और ऊपर चलेंगे तो यहां मिलता है येलो सी। येलो सी इज बिटवीन मेनलैंड चाइना एंड दिस इज कोरियन पेनिनसुला। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ये है कोरियन पेनिनसुला। कोरियन पेनिनसुला हमें पता है यहाँ हमेशा लड़ाई चलती रहती है बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, और ये एरिया है इन दोनों के बीच में विच इज ऑल्सो कॉल्ड MDL, मिलिट्री डीमार्केशन लाइन। ये 38th पैरेलल भी है। 38th पैरेलल मतलब 38 डिग्री लैटिट्यूड भी इनको डिवाइड करता है, बट इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है मिलिट्री डीमार्केशन लाइन। और अंदर है ये येलो सी। ये येलो सी का नाम येलो सी क्यों पड़ा, क्योंकि यहां आती है येलो रिवर या हुआंग हो रिवर के साथ बहुत सारी फाइन ग्रेन सैंड गोबी डेजर्ट से, और उसकी वजह से यहां का जो कलर है, सी का जो कलर है वो येलोइश हो गया है। अपने क्रूज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि अब हमें कोरियन पेनिनसुला और जापान के बीच से निकलना है, तो ये है कोरियन स्ट्रेट। यहां पे कोरियन स्ट्रेट है, हम येलो ईस्ट चाइना सी, ये येलो सी से मूव करेंगे सी ऑफ जापान में। दिस एरिया इज कॉल्ड सी ऑफ जापान। जापान इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। जापान एक कंट्री है जिसमें कई सारे आइलैंड्स हैं, जिसका नदन मोस्ट आइलैंड है होकाइडो। उसके नीचे आइलैंड है होनशु, उसके नीचे है शियोकू और उसके नीचे है रुकोकू। सो ये चार आइलैंड्स हैं जापान में, और बीच में है जापान सी, और इन दोनों का रास्ता निकलता है कोरियन स्ट्रेट से। अगर हम इससे नॉर्थ की ओर जाते हैं तो जैसे ही जापान खत्म होता है, जापान की क्लोजेस्ट बाउंड्री लगती है आपकी रशिया से। ये शायद आपको ना पता हो, जापान की क्लोजेस्ट बाउंड्री लगती है रशिया से। इसको कहते हैं ला प्राजो स्ट्रेट। मैं थोड़ा सा बाहर निकाल के इसको दिखा देता हूं। इसको कहते हैं ला प्राजो स्ट्रेट। ये जो आइलैंड है, जो नदर्न मोस्ट आइलैंड यहां पे हमें दिख रहा है, ये एक आइलैंड है, ये जापानीज आइलैंड है होकाइडो, और इसे ऊपर जो हमको दिख रहा है ये है सखालिन आइलैंड, और ये रशिया के कंट्रोल में है। और इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है उसको कहते हैं हम ला प्राजो स्ट्रेट। ठीक है, अब और नॉर्थ की ओर मूव करते हैं तो यहां पे भी एक स्ट्रेट है, ये सखालिन स्ट्रेट, और रशिया के बीच में भी एक स्ट्रेट है, ये है स्ट्रेट ऑफ टार्टर। स्ट्रेट ऑफ टार्टर, और इससे हम एंटर करेंगे सी ऑफ ओखोस्ट। ये नदन साइड में है इस स्ट्रेट के, या रशिया का पूरा यहां पे कामचाटका पेनिनसुला है। दिस पेनिनसुला ऑफ रशिया इज कॉल्ड कामचाटका पेनिनसुला। कामचाटका पेनिनसुला रशिया का। इसके बाद यहीं पे हम बाउंड्री में लगते हुए कई ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखेंगे, जैसे कि अलूशियन आइलैंड्स। ओके, अलूशियन आइलैंड से ऊपर, अगर हम अलूशियन आइलैंड्स, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है अलूशियन आइलैंड्स, इससे ऊपर हम चलेंगे बेरिंग सी। अब ये बेरिंग सी है सी बिटवीन रशिया एंड अलास्का। सी यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स का पार्ट है और ये रशिया है, तो कौन सा स्ट्रेट बाउंड्री बनाता है बिटवीन एशिया एंड अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो यहां पे स्ट्रेट है बेरिंग स्ट्रेट और सी है बेरिंग सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है बिकॉज ये आर्कटिक ओशियन को भी सेपरेट कर रहा है फ्रॉम पैसिफिक ओशियन। यहां आर्कटिक ओशियन ऐसे ऊपर है, पैसिफिक ओशियन ऐसे नीचे है। अब हम कुछ आर्कटिक ओशियन के सीज को भी देख लेते हैं, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट
इनकी पोजीशन के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला सी यहां पे है चुकची सी, उससे आगे हम जाएंगे तो ईस्ट साइबेरियन सी, उससे आगे जाएंगे तो लाप्टेव सी, उससे आगे बढ़ेंगे तो कारा सी। यहां पे हम लोग एशिया की बाउंड्री देखेंगे, इससे आगे जितनी भी बाउंड्री है यूरोपियन बाउंड्री है। तो अगले वीडियो में उस क्रूज में मैं आपको ले चलूंगा जहां पे हम यूरोप के आसपास की वाटर बॉडीज को देखेंगे। तो यहीं तक था हमारा वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।